हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा, तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। 47 बंटवारा, दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है, ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर की सीक्वल फिल्म गदर 2 इस साल इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। हाल ही में फिल्म के निर्माताओं ने इसके रिलीज डेट घोषित करने के साथ फिल्म का पहला लुक भी जारी किया है। फिल्म गदर में हैट पप उखाड़ कर चर्चे में आए सनी देओल बेहद गुस्से में हाथों में बड़ा सा हथौड़ा लिए नजर आ रहे हैं। फिल्मी दुनिया के जानकारों के मुताबिक गदर फिल्म जहां भारत पाकिस्तान के विभाजन यानी कि 1947 और इसके के तौर पर आधारित थी, वही इस साल निर्माताओं ने फिल्म की कहानी में करीब 24 साल का गैप दिखाया है। वहीं फिल्म की सीक्वल गदर 2 की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के तौर पर आधारित है। पिछली बार जहां तारा सिंह बने सनी देओल अपनी पत्नी सकीना का रोल कर रही अमीषा पटेल को लेने अपने बेटे जीते के साथ पाकिस्तान गए थे, वहीं अब की बार तारा सिंह अपने बेटे को वापस लाने पाकिस्तान जाता है। दरअसल 1971 के जंग में तारा सिंह का बेटा जीते पाकिस्तान में फंस जाता है, तो वो एक बार फिर पाकिस्तान लौटने का फैसला करता है। फिल्म के डायरेक्टर नलिन शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने फिल्म गदर में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जीते का रोल निभाया था, वहीं अब वो एक एक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके हैं। उत्कर्ष की डेब्यू फिल्म जीनियस 2018 में रिलीज हो चुकी है। हालांकि इस बार फिल्म में पिछली बार सकीना के पिता का रोल निभाने वाले अमरीश पुरी को दर्शक मिस करेंगे। गदर फिल्म में अमरीश पुरी ने बहुत शानदार रोल निभाया था। जब से करीब 22 साल पहले सन 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर को हिंदी सिनेमा की सबसे हिट फिल्मों में से एक माना जाता है। इस दौरान इस फिल्म को करीब 5.5 करोड़ दर्शकों ने सिनेमा घर में जाकर देखा था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जबकि गदर का क्लैश आमिर खान की सुपरहिट फिल्म लगान से हुआ था। लगान को भी इस दौरान करीब 2 करोड़ लोगों ने सिनेमा घरों में जाकर देखा था। पिछली बार की ही तरह इस बार भी गदर 2 की राह आसान नहीं होगी। जी हां, इस बार 11 अगस्त को गदर 2 के ऑपोजिट रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल रिलीज होगी, जिसका पहला लुक वायरल हो चुका है। इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर सिंह फेम संदीप वांगा रेड्डी है। वहीं 11 को ही बीते साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की अगली फिल्म द वैक्सीन वार रिलीज होगी। इस फिल्म में कोरोना के दौरान भारत के वैक्सीन बनाने की कहानी को दिखाया जाएगा। वहीं इसी वीकेंड पर तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म जेलर भी रिलीज होगी, यानी कि इस बार सनी देओल चौतरफा चुनौती का सामना करना पड़ेगा।